नमस्कार, मैं गौरांगी यादव आप सभी का स्वागत करती हूं टेकनिया न्यूज में। वक्त हो चुका है आज की 10 बड़ी खबरों का। बुधवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट सेंटर में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है। ये उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का दूसरा संस्करण है। 25 सितंबर से शुरू हुआ ये ट्रेड शो 29 सितंबर तक चलेगा। इस ट्रेड शो में 70 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। भारत के साथ वियतनाम इस शो में साझेदार के रूप में शामिल हुआ है। ट्रेड शो में अलग अलग क्षेत्रों के स्टार्टअप्स पर खास फोकस किया गया है। इसमें करीब 25,000 कंपनियों के स्टॉल्स और प्रदर्शनियों को शामिल किया गया है। भारतीय रेलवे ने देश में पहली बार रेल रक्षक दल का गठन किया है। रेलवे ने उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में प्रोजेक्ट पायलट के रूप में इस पहल की शुरुआत कर दी है। रेल रक्षक दल दुर्घटना स्थल पर तुरंत पहुंचने और बचाव कार्य करने में सक्षम है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF ने इस दल को प्रशिक्षित किया है। रेल सुरक्षा दल में रेलवे के सक्षम कर्मचारियों सहित RPF के जवानों को शामिल किया गया है। रेल सुरक्षा दल रेलवे दुर्घटनाओं के अलावा जरूरत पड़ने पर NDRF की जगह पर जिला प्रशासन के कार्यों में भी मदद करेगा। साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के I4C विंग ने कड़ा कदम उठाया है। I4C विंग ने साइबर फ्रॉड में उपयोग होने वाले 600,000 मोबाइल फोन लॉक कर दिए हैं। साथ ही साइबर फ्रॉड करने वाले 65,000 URLs और करीब 800 एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया है। I4C विंग ने साइबर क्राइम के खिलाफ ये कार्रवाई नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर मिली शिकायतों के बाद की है। पिछले साल नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर 100,000 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्कैम की शिकायतें मिली हैं। वही जनवरी 2024 से अब तक 90,000 से अधिक साइबर फ्रॉड की शिकायतें मिल चुकी हैं। AI इंडिया मिशन के तहत इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मैकेनिकल इंटेलिजेंस और AI फेलोशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए BTEC और MTEC के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 30 सितंबर तक मंत्रालय द्वारा जारी की गई आधिकारिक वेबसाइट indiaai.gov.in पर भरे जाएंगे। इसके अलावा मंत्रालय ने विद्यार्थियों को PhD की फेलोशिप प्रदान करने के लिए देश के शीर्ष 50 अनुसंधान संस्थानों से भी सहभागिता का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए मेडिकल कॉलेजों में NRI कोटा बढ़ाने पर रोक लगा दी है। इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी अप्रवासी भारतीयों के रिश्तेदारों को मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन में छूट देने की मांग खारिज कर दी थी, जिसे लेकर पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में उप्रवासी भारतीयों के दूर के रिश्तेदारों को आरक्षण देने को गलत बताया है और इसे बंद करने की बात कही है। दिल्ली के रोहिणी स्थित टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में नए सत्र में दाखिले लिए जा रहे हैं। CET पास छात्र टेक्निया में ग्रेजुएशन प्रोग्राम BBA, BCA, BCom और BJMC में दाखिला लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन के इच्छुक छात्र टेक्निया में MBA और MCA प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। दाखिला लेने के लिए छात्र टेक्निया की ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं या कॉलेज पहुंचकर कोर्स के बारे में अधिक जानकारी लेकर भी दाखिला ले सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने नवंबर में होने वाली CA फाइनल की परीक्षा का शेड्यूल बदल दिया है। ICAI ने दिवाली त्यौहार के चलते CA फाइनल की परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया है। नए शेड्यूल के अनुसार CA फाइनल के ग्रुप 1 की परीक्षा 3, 5 और 7 नवंबर को आयोजित होगी, जो पहले 1, 3 और 5 नवंबर को निर्धारित की गई थी। इसके अलावा ग्रुप 2 की परीक्षा 9, 11 और 13 नवंबर को आयोजित की जाएगी, जो पहले 7, 9 और 11 नवंबर को आयोजित होनी थी। भारत के घरेलू क्रिकेट की प्रमुख प्रतियोगिताओं में शामिल ईरानी कप 2024 में इस बार की रणजी चैंपियन मुंबई और रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम के बीच मुकाबला होगा। ये मुकाबला लखनऊ में 1 से 5 अक्टूबर तक खेला जाएगा। मैच के लिए दोनों टीमों की घोषणा कर दी गई है। मुंबई को रणजी ट्रॉफी का विजेता बनाने वाले अजिंक्य रहाणे को ईरानी कप के लिए भी मुंबई का कप्तान बनाया गया है, जबकि रेस्ट ऑफ इंडिया की कमान ऋतुराज गायकवाड़ को सौंपी गई है। रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम में ईशान किशन, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, प्रसिद्ध कृष्ण और मुकेश कुमार को मौका दिया गया है, जबकि मुंबई की तरफ से खतरनाक ओपनर पृथ्वी शाह के साथ साथ श्रेयस अय्यर और शार्दुल ठाकुर भी मैच में खेलेंगे। ईरानी कप की शुरुआत रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप के 25 साल पूरे होने पर 1959 से 60 में की गई थी। इस टूर्नामेंट का नाम BCCI के पूर्व अध्यक्ष ZR ईरानी के नाम पर रखा गया था। यह टूर्नामेंट हर साल वर्तमान रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम और शेष भारत के चुने हुए खिलाड़ियों की टीम के बीच खेला जाता है। हर साल आश्विन नवरात्रि और दशहरा के मौके पर दिल्ली के लाल किले पर लवकुश एवं रामलीला का मंचन किया जाता है।
लाल किले की रामलीला में इस बार बॉलीवुड के मशहूर हास्य अभिनेता असरानी राजा जनक की भूमिका निभाएंगे। वहीं मशहूर गायक शंकर साहनी केवट की भूमिका में संगीतमय संवाद करते हुए राम, सिया और लक्ष्मण की नैया पार लगाते नजर आएंगे। इस साल रामलीला का मंचन 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक किया जाएगा, जबकि दशहरा पर्व 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 23 सितंबर से पेरिस के प्लेस डे ओपेरा में इंटरनेशनल इवेंट पेरिस फैशन वीक 2024 शुरू हो गया है। इवेंट में पहले दिन बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन और आलिया भट्ट ने अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरा। दोनों एक्ट्रेस भारत में ब्यूटी ब्रांड लॉरियल पेरिस की ब्रांड एम्बेसडर है। आलिया भट्ट ने पहली बार पेरिस फैशन वीक में हिस्सा लिया है। फैशन शो के रैंप वॉक में आलिया अपने सिंपल और एलिगेंट लुक में नजर आई। वहीं विश्व सुंदरी रह चुकी ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी सादगी से शो की लाइमलाइट ली। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज, साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें।